इस लेक्चर में हम स्टार्ट करें आरबिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी। तो एपीटी जो है किसी एक्सटेंशन ऑफ कैपर मॉडल, ये कैपर मॉडल का ही एक्सटेंशन है। तो लेकिन से देखो, कैपर मॉडल में आपने लिखा है गेटिंग रिक्वायर्ड रिटर्न इज इक्वल टू आर एफ प्लस बीटा ऑफ सिक्योरिटी इंटू आर एम माइनस आर एफ। और कैपम जिसको हम सिक्योरिटी मार्की लाइन भी कहते हैं, उसमें हम रिकरन कैलकुलेट करते हैं सिक्योरिटी की विद रिस्पेक्ट टू रिकरन ऑफ मार्केट। तो रिकरन ऑफ मार्केट क्या होती है, तो आर एम होती है आपकी रिकरन सो इन ओवरऑल मार्केट। बट जैसे हमें पता है कि जो मार्केट है, मार्केट में बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो रिकरन इन ओवरऑल मार्केट एक मीन जो है, ये जो हम मार्केट लिखे हैं, मार्केट है जो डिफरेंट फैक्टर्स, तो उन सभी फैक्टर का जो इफेक्ट है वो हम ओवरऑल मार्केट में कंसीडर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल कौन से फैक्टर्स हैं आपके, इन्फ्लेशन, एनर्जी, एम्प्लॉयमेंट लेवल, लेकिन से एनर्जी बनेगी नेचुरल फैक्टर्स, नेचुरल फैक्टर्स हैं जैसे क्लाइमेट कंडीशन, अर्थक्वेक, फ्लड एक्सेट्रा, पैंडेमिक्स एंड अनदर वन, देयर आर सो मेनी फैक्टर। जीडीपी ग्रोथ आपकी कितनी है एंड लेटर से रिमेनिंग आर मिसलेनियस। उसमें से एपीटी मॉडल ने क्या किया है कि इसने ओवरऑल मार्केट को डिफरेंट फैक्टर्स में क्लासीफाई कर दिया है। तो अब पहले हमने कहा कि एक मार्केट की रिटर्न अब आपको कैलकुलेट करनी है, हर फैक्टर की रिटर्न कैलकुलेट करेंगे। तो पहले हम निकाल के कि कैपम में बीटा हम मार्केट के साथ निकालते हैं सिंगल बीटा, अब अपने बीटा भी निकालना है इक्विटी का विद रिस्पेक्ट टू ईच फैक्टर। तो ये हमारी एक्सटेंशन है एपीटी में, तो लेकिन सी बटी एपीटी। सो आर्बिट्रेरी प्राइसिंग थ्योरी, सो ईच एन एक्सटेंशन ऑफ कैपम मॉडल। तो इट मीन्स इसमें दो एस्पेक्ट्स हम कंसीडर कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक है जो क्लासीफाइड, इसने क्लासीफाई कर लिया है ओवरऑल मार्केट को, ओवरऑल मार्केट को इनको डिफरेंट फैक्टर्स। ये फैक्टर जो होते हैं हमें ऐसे दिए होते हैं कि कौन कौन से फैक्टर आपको कंसीडर करने हैं। तो इट मीन्स अब हमारा ऑब्जेक्टिव है कि अब आपको हर फैक्टर के रिटर्न भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। इट मीन्स वी हैव टू डिटरमिन सो रिटर्न ऑफ ईच फैक्टर, रिटर्न ऑफ ईच मार्केट फैक्टर, ये मार्केट के ही फैक्टर है। इट मीन्स इसको हम कह सकते हैं रिटर्न ऑफ मार्केट फर्स्ट फैक्टर, रिटर्न ऑफ मार्केट फॉर सेकेंड फैक्टर एंड सो ऑन, या इसको फैक्टर रिटर्न भी कहते हैं। तो इट मीन्स अब इसी तरीके से रिस्क फ्री रिटर्न को सेम ही रहती है, तो आपको अब हर फैक्टर का रिस्क प्रीमियम कैलकुलेट करना पड़ेगा। इट मीन्स गेट रिस्क प्रीमियम ऑफ ईच फैक्टर, तो इसको हम कहते हैं फैक्टर रिस्क प्रीमियम, फैक्टर रिस्क प्रीमियम। तो इसको हम डिनोट करते हैं नॉर्मली जैसे एफ वन से, तो एफ वन हो गया फैक्टर वन, तो उसका रिस्क प्रीमियम क्या आएगा, उसकी रिटर्न कितनी है मार्केट में माइनस आर एफ। ऐसे फैक्टर सेकंड, उसका रिस्क प्रीमियम आर एम टू माइनस आर एफ। तो पहले एक ही मार्केट इंडेक्स था, तो हमने बीका निकाला था विद रिस्पेक्ट टू मार्केट ओनली, अब आपको हर फैक्टर का बीका भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। गेट लीजिए, समझ लीजिए आप फोर्थ जो पॉइंट है आपका, इट मीन्स अनदर पॉइंट लीजिए गेट बीका ऑफ सिक्योरिटी। तो अब आपको सिक्योरिटी का बीका कैलकुलेट करना है विद रिस्पेक्ट टू ईच फैक्टर, हर फैक्टर के साथ। तो उसको भी आप डिनोट कर सकते हो बीका वन, बीका टू एक्सेट्रा, जितने फैक्टर्स हैं समझो उतने बीटा निकल जाएंगे। अब आपको फाइनली रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हो, नाउ यू कैन रिटर्न गेट रिक्वायर्ड रिटर्न
ओनली सिक्योरिटी। तो अब आप उस सिक्योरिटी की रिक्वायर्ड रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हो। फार्मूला क्या बनेगा? ERI जिसे की RF प्लस, तो पहले आपने लिया था सिर्फ मार्केट का रिस्क प्रीमियम हमने ऐड कर लिया था, एक बार ओवरऑल मार्केट। अब आपने ये हर फैक्टर का रिस्क प्रीमियम ऐड करना है, प्लस रिस्क प्रीमियम फॉर ईच फैक्टर। तो मीन्स फार्मूला क्या बन जाएगा आपका RF। अब लो आपको बीटा लो, जैसे पहले फैक्टर का बीटा वन इनटू रिस्क प्रीमियम क्या है फर्स्ट फैक्टर का F1, ऐसे ही सेकंड फैक्टर का बीटा इनको फैक्टर रिस्क प्रीमियम F2। अब जितने फैक्टर्स हैं 3 हैं 4 हैं सबके रिस्क प्रीमियम आप ऐड कर दीजिए, ये इक्वेशन आपकी चल जाएगी। अब कोई एन नंबर ऑफ फैक्टर्स है, जितने फैक्टर हैं। ये कोई है सिंपल कि APT मॉडल क्या है, तो APT मॉडल का भी परफेक्ट वही है कि आप हम की कह रहे हैं कि हम रिक्वायर्ड रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए अब कोई एन फैक्टर्स हैं आपके, वैसे मोस्टली क्वेश्चन में हमें 2 या 3 फैक्टर दिए होते हैं, उनके बीटा आपको दिए होते हैं। नॉर्मली रिस्क प्रीमियम भी हमें RM भी दिया होता है, RF भी दिया है, बस आपको क्वेश्चन अप्लाई करनी होती है, ठीक है। एक तो स्केच का क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं इसमें इसका पर्पज क्या है, RB के लिए AP के मॉडल का ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ APT। तो इसके थ्रू हम एक आर्बिट्रेरी पोर्टफोलियो बना सकते हैं। सो वी कैन मेक सो एन आर्बिट्रेरी पोर्टफोलियो ठीक है। अब आर्बिट्रेरी पोर्टफोलियो क्या होता है, पहले सिंपल मीनिंग देखते हैं आर्बिट्रेरी का क्या होता है। सिंपल जो मीनिंग है आर्बिट्रेरी मीन्स टू बाय एट लो प्राइस एंड सेल एट हाई प्राइस। ऑब्जेक्टिव देखिए टू अर्न प्रॉफिट, उसके थ्रू आप कुछ प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, तो उसको कहते हैं सिंपल आर्बिट्रेज। और क्या बात है आर्बिट्रेज पोर्टफोलियो क्या होता है, आर्बिट्रेज पोर्टफोलियो सो आर्बिट्रेज पोर्टफोलियो सो एक डेट पोर्टफोलियो, ये एक ऐसा पोर्टफोलियो है सो इन विच नंबर वन सो नो ओन फंड्स आर इन्वेस्टेड, ये एक ऐसा पोर्टफोलियो है जिसमें हमारे अपने कोई भी फंड्स इन्वेस्ट नहीं होंगे। तो आप कैसे करोगे, तो आप एक शेयर को सेल कर दीजिए, वहाँ से जो मनी आएगी उसको दूसरे में इन्वेस्ट कर दीजिए। इट मीन्स सेल वन सिक्योरिटी और सेल वन शेयर एंड बाय अदर शेयर। फॉर एग्जाम्पल एक शेयर है आपका ए, दूसरा है बी। ए आपने सेल किया 10,000, तो जब आप सेल करके हैं उससे मनी मिलेगी, वो हमारा इनफ्लो बन जाएगा। इसको इन्वेस्ट कर को बी में, ये आपका आउटफ्लो बन जाएगा। तो भी हमने देखा जब हम करके ना पोर्टफोलियो में आपने मनी इन्वेस्ट की है उसके वेट निकाल के वो आउटफ्लो होता है हमारा। तो हम वेट के लिए जो आउटफ्लो या इनफ्लो है, जब आप वेट कैलकुलेट करोगे आउटफ्लो को हम पॉजिटिव मानते हैं, इनफ्लो को हम नेगेटिव मानते हैं। आउटफ्लो मीन्स मनी गोइंग, कैश जा रहा है आपका। इनफ्लो मीन्स मनी इज कमिंग, तो वो नेगेटिव है और वो पॉजिटिव है। तो इट मीन्स अब हम कह रहे हैं नो ओन फंड्स आर इन्वेस्टेड। अब देखिए आप इसका वेट निकालो, देखो ए और बी का क्या वेट बनेगा। तो टोटल इन्वेस्टमेंट आपके 10,000 है, तो 10/10 इसको हम लिखेंगे -1 और इसको लिखेंगे +1। अब देखिए आप टोटल करोगे टोटल ऑफ वेट वो आपका 0 आ जाएगा। इसका मीनिंग क्या है नो ओन फंड्स आर इन्वेस्टेड, इट मीन्स कि जो टोटल वेट है आपका किसी इक्वल टू 0। ये पहला फीचर है आर्बिट्रेज पोर्टफोलियो का। तो ऐसे देखते हैं सेकंड पॉइंट क्या है आर्बिट्रेज पोर्टफोलियो में, और नो ऑन फंड्स आर इन्वेस्टेड एंड सेकंड इज देयर इज नो रिस्क इन पोर्टफोलियो।
कौन सा रिस्क नहीं है इसमें, मेन हम कंसीडर कर रहे हैं, जैसे ये कैपम की एक्सटेंशन है उसने मेन रिस्क कंसीडर किया है, मार्केट रिस्क है। जैकि मार्केट की जो रिस्क है आपका, मार्केट रिस्क इज जीरो। अब मार्केट रिस्क किससे मेजर होता है, वो क्या बीटा से, इट मीन्स बीटा पोर्टफोलियो इज जीरो। तो हम कह सकते हैं कि अब अपने दो कंडीशन हो गई आपकी आर्बिट्रेज पोर्टफोलियो की, इसको कहते हैं कंडीशन ऑफ आर्बिट्रेज पोर्टफोलियो। देखो दो कंडीशन क्या है आपकी, नंबर वन की जो टोटल वेट है आपका सभी सिक्योरिटीज का वो जीरो है, और सेकंड जो बीटा है पोर्टफोलियो का, बीटा होता है बीटा ऑफ सिक्योरिटी इनटू वेट, दिस इज आल्सो जीरो। तो एक मीन्स ऑफ पोर्टफोलियो बनाने के लिए आपको वेट से जो है वही फाइंड आउट करने हैं कि कितना वेट होना चाहिए कि ये दो कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो जाए। तो इट मीन्स जब हम कहते हैं कि आपने आदि से पोर्टफोलियो बनाना है, तो मैं लिख रहा हूँ उसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, टू मेक आर्बिट्रेज पोर्टफोलियो एक मीन्स, तो वी हैव टू फाइंड आउट, तो आपको फाइंड आउट करना है व्हाट शुड बी वेट्स, आपके वेट्स कितने होने चाहिए ऑफ सिक्योरिटीज, तो वेट आपको फाइंड आउट करने हैं। सो गए तो टोटल वेट जीरो एंड पोर्टफोलियो बिका जीरो, ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। अब वेट जीरो कब होगा, एक सिक्योरिटी को बेचोगे दूसरी को खरीदोगे आप, इट मीन्स एक का वेट पॉजिटिव होगा एक का नेगेटिव होगा। अब ये डिसीजन कैसे लिखे हैं, हाउ टू टेक डिसीजन कि किस सिक्योरिटी को आपने सेल करना है, किसको बाय करना है, हाउ टू टेक डिसीजन टू बाय और सेल सिक्योरिटी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, गेट टू जेंसेन अल्फा, इसका रूल वही है, जेंसेन अल्फा कैलकुलेट करेंगे हम, विच मीन्स अल्फा है एक्चुअल रिटर्न माइनस रिक्वायर्ड रिटर्न, और रिक्वायर्ड रिटर्न आप कैलकुलेट कर सकते हैं कैपम से हर सिक्योरिटी की, और उसके बेस पे डिसीजन ले सकते हैं, फिर हम एक आर्बिट्रेज पोर्टफोलियो बना सकते हैं। चलो तो मैं एक एग्जाम्पल करता हूँ आर्बिट्रेज पोर्टफोलियो के ऊपर, पहले कोई आप PDF को डाउनलोड कीजिए, फ्री है आपके, उसमें आपको दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो लेके से एग्जांपल हम कर रहे हैं, जैसे जो सेकंड एग्जांपल, इसमें देखो आपको मेंशन किया है कुछ सिक्योरिटीज हमारे पहले से पोर्टफोलियो हैं, तो वी हैव पोर्टफोलियो जैसे कि एक्स वाई एंड जेड, उनकी जो को रिटर्न दे रखी है आपको, इट मीन्स RI परसेंटेज में है, रिटर्न इज 11 11 7.25, फिर आपको उनका बीटा भी दे रखा है बीटा, वी कैन से पोर्टफोलियो जो IF पोर्टफोलियो, तो रिटर्न हो गया RI, बीटा आई हो गया किसी 2 1.5 एंड 0.75। तो गैन एक आर्बिट्री प्राइसिंग मॉडल दे रखा है APT मॉडल, इटली गिवन गया कि रिक्वायर्ड रिटर्न जो है आपके RI ERI इज इक्वल टू 5 + 3 बीटा, इसमें कोई एक ही बीटा है, एक ही फैक्टर है इसमें मार्केट में, डिटरमिन वेदर एनी अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट फॉर आर्बिट्रेज प्रॉफिट। तो पहले आपको बताना है क्या आर्बिट्रेज पोर्टफोलियो बन सकता है इस केस में, तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहला स्टेप गेट रिक्वायर्ड रिटर्न आप कैलकुलेट कीजिए ERI, ये दिए आपको तो इसमें पुट कर रखी है, तो RF आपका 5 है + 3 इनको बीटा, बीटा से करना है मल्टीप्लाई, बीटा ये 2, सो 2 × 3 + 5 11, 1.5 4, 9.5, 0.75, 7.25, ये बन जाएगा 2.25। अब आपका जेंसन अल्फा आ जाएगा, और इसका फार्मूला है
एक्चुअल रिकर्न है आपके पास, रिक्वायर्ड रिकर्न 11 माइनस 11 जैसे 0, 11 माइनस 9.5 1.5, 7.25 माइनस 7.25। और किसी सिक्योरिटी में आपको इन्वेस्ट करना है, बाय करना है, जिसका अल्फा पॉजिटिव है उसको को बाय करो आप, और इनको सेल कर दो जिसका अल्फा 0 है। तो एक सिक्योरिटी पता लग गई जो बाय करनी है, तो इट मीन्स रिटर्न आ गई, ठीक है, एंड जो जेंशन अल्फा आ गया आपको, और उसके बेस पर आपको डिसीजन आ गया। तो अब आप इसको वेक असाइन कर दो, लेट वेक्स सो आर सिक्योरिटी से एक्स वाई जेड, तो उसका वेक रख लेते हैं वेक ऑफ एक्स, वेक ऑफ वाई, वेक ऑफ जेड। अब ये तो हमें पता लग गया कि सिर्फ हमने वाई में इन्वेस्ट करना है, एक ही सिक्योरिटी है, तो उसका जो वेक है वो तो हो गया +1। अब ये गो मिसिंग है आपके, क्योंकि ये गो वेक्स है। तो क्वेश्चन है कि व्हाट शुड बी गिव वेक्स सो गैट टू बी गेट आर्बिट्रेरी पोर्टफोलियो। उसके लिए कंडीशन अप्लाई करूंगा, पहली कंडीशन क्या है, टोटल वेक एक 0, मीन डब्ल्यू एक्स प्लस डब्ल्यू वाई प्लस डब्ल्यू जेड इज इक्वल टू 0। तो डब्ल्यू एक्स हमारा मिसिंग है प्लस डब्ल्यू जेड भी मिसिंग है इक्वल टू, डब्ल्यू वाई है 1, इधर चला जाएगा -1। ये बन गई आपकी पहली इक्वेशन, मिसिंग -1। अब सेकंड कंडीशन अप्लाई करो, वो है पोर्टफोलियो बीटा इज आल्सो 0। ये वेक्स आगे मल्टीप्लाई कर रहे हैं बीटा से, 2 डब्ल्यू एक्स प्लस वाई का है बीटा 1.5 डब्ल्यू वाई प्लस 0.75 डब्ल्यू जेड इज इक्वल टू 0। इससे सेकंड क्वेश्चन आ जाएगी, वाई का वेग पता ही है आपको +1 है, इट विल बिकम 2 डब्ल्यू एक्स प्लस 0.75 डब्ल्यू जेड इज इक्वल टू -1.5। दिस इज सेकंड क्वेश्चन। अब इनको देखो सॉल्व करते हैं, इट मीन्स अब पहली इक्वेशन है डब्ल्यू एक्स, ये है 2 डब्ल्यू, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया आपने, डब्ल्यू एक्स प्लस डब्ल्यू जेड इक्वल टू -1, इसको किया आपने 2 से मल्टीप्लाई, जिसे 2 टाइम डब्ल्यू एक्स प्लस 2 टाइम डब्ल्यू जेड इक्वल टू -2। और सेकंड क्वेश्चन है आपकी 2 डब्ल्यू एक्स प्लस 0.75 डब्ल्यू जेड इक्वल टू -1.5, इसमें कर दो सब्सक्राइब, किसी कैंसर जिस माइनस जिस 1.25 डब्ल्यू जेड इज इक्वल टू -0.5, तो इससे देखो डब्ल्यू जेड आ जाएगा, ये आपका नेगेटिव में आ रहा है। तो 0.5 आपने डिवाइड करना है 1.25 से, -0.4, तो ऐसे डब्ल्यू आपका एक्स आ जाएगा। इसको पुट कर रखे हैं -0.4 को यहाँ पर जेड में, तो ये इधर चला जाएगा प्लस, तो रह गया -0.6। तो अब आपका बन गया, देखो आर्बिट्रेरी पोर्टफोलियो कैसे बनाएंगे अब हम, तो अब आप लिख सकते हैं आर्बिट्रेरी पोर्टफोलियो इज आपके पास सिक्योरिटी है जैसे कि एक्स वाई जेड, तो आपने जेड एक्स से बोरो करना है, माइनस का मतलब है सेल, या अब हम कहते हैं बोरो सेल 60%, वाई में आपने इन्वेस्ट करना है 100%, और इसको भी सेल करना है जेड को आपने -0.4 मीन्स 40%। तो सेल का मतलब है इनफ्लो, इट इज जस्ट लाइक बोरोइंग। तो अब आप देखो अब कितनी रिटर्न मिलेगी, अब आपको लिखा है क्वेश्चन में तो वी हैव ₹10,000 टू इन्वेस्ट, तो आप देखो कितनी इन्वेस्टमेंट जाएगी आपकी, इसमें कर गो आप 10,000 इन्वेस्ट, यहाँ पे सेल कर गो 6,000, यहाँ सेल कर गो 4,000, तो रिटर्न देखो कितनी मिलेगी, जो सेल करोगे उस पर लॉस हो जाएगा हमें, रिटर्न नहीं मिलेगी, तो इसमें 11% का लॉस है हमारा -660, और वाई में रिटर्न मिलेगी 11%, जैसे कि 1100, और जेड में लॉस है 7.25 का, 7.25%।
लेके से 4,000 में आपको कितना लॉस हो रहा है, 7.25%, 290। तो नेक्स्ट आपका इसको देखें, आरबी क्रिएट करने से कितना प्रॉफिट आ रहा है आपको, 290 प्लस 660 माइनस 11, तो 150 रुपीज़ का हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। तो मीन्स हमने आर्बिट्रेज का मतलब क्या था, हमें प्रॉफिट मिलेगा, पर एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाया जिसमें आपके अपने कोई फंड्स इन्वेस्ट नहीं होंगे और जो बीटा है वो भी जीरो कर गया, इट मीन्स कोई रिस्क भी नहीं है मार्केट से रिलेटेड। तो ये हमने डिस्कस किया एपीटी में, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कुछ और एग्जाम्पल्स एपीटी इक्वेशन के बेस पर और आर्बिट्रेज के बेस पर।